नमस्कार, मैं हूं सचिन। भारत के खिलाफ चीन की अतिक्रमण नीति का मोहरा बन चुका है नेपाल और नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली। केपी शर्मा ओली ने अब की बात करोड़ों भारतीयों की आस्था पर चोट की है। जिस मर्यादा पुरुषोत्तम राम और उनकी जन्मभूमि अयोध्या की पूजा सारा देश करता है, बल्कि नेपाल जो कि हिंदू राष्ट्र रह चुका है, नेपाल के हिंदू भी करते हैं, उसी पर उसी भगवान श्री राम को केपी शर्मा ओली ने नेपाली होने का दावा कर दिया। केपी शर्मा ओली ने असली अयोध्या के नेपाल में होने का दावा किया, लेकिन ओली शायद ये भूल गए कि 2 साल पहले ही उन्होंने पीएम मोदी के साथ उस रामायण सर्किट और जनकपुर अयोध्या बस सर्विस का उद्घाटन किया था। तब उन्हें याद आया कि नेपाल में अयोध्या है, अयोध्या में नेपाल है, या फिर क्या ये भूगोल कहां पड़ता है। तो ताजोक के स्पेशल एडिशन में हम सवाल ये उठा रहे हैं कि आखिर श्री राम पर ओली का मेमोरी लॉस है ये। तमाम बड़े मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद होंगे। ये सवाल इस वक्त जो कि इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने, ओली को अचानक अयोध्या की क्यों याद आई? दूसरा, अयोध्या पर ओली का ज्ञान क्या मेड इन चाइना है? तीसरा, आस्था पर अतिक्रमण का क्या ये चाइनीज प्लान है? क्योंकि खुद को कम्युनिस्ट कहते हैं, कम्युनिस्ट तो भगवान पर यकीन नहीं रखते, तो ऐसे में अब कैसे उनको राम पर यकीन आ गया? राम नाम से क्या ओली की कुर्सी बच पाएगी, जो कि लगातार ऐसा लगता है कि आज नहीं तो कल इस्तीफा देंगे, लगातार बैठक होती रहती। वहीं चीन की रिश्वत तोड़ेगी रोटी बेटी का रिश्ता। हमारे साथ तमाम मेहमान हैं, प्रेम शुक्ला जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, बीरेंद्र जो कि नागरिक टाइम्स के एडिटर हैं, काठमांडू से इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं, आचार्य नवल किशोरदास हैं, हिंदू धर्मगुरु और साथ ही साथ फुनसुक स्तोपदान हैं, पूर्व राजनयिक और इंडो चाइना इंडो नेपाल मामलों के एक्सपर्ट भी हैं। प्रेम शुक्ला जी, रोटी बेटी के रिश्ते को तो कोई नहीं हिला सकता, तभी भारत किस तरीके से परिपक्व बयान देता है और ये नेपाल बहुत अच्छे से जानता है अयोध्या किधर है, लेकिन क्या 41 करोड़ में केपी शर्मा ओली का मेमोरी लॉस हो गया क्या? 41 करोड़ से सस्ते में भी लॉस हो सकता है। खड़ग प्रसाद शर्मा ओली का सबसे बड़ा संकट ये है कि वो चीन की गोली इतनी ज्यादा खा चुके हैं कि उनकी बोली भी अब चीनी हो गई है। प्रभु रामचंद्र जी अयोध्या के हैं तो ब्रह्मांड व्यापी सत्य है। सबसे खुद खड़ग प्रसाद शर्मा ओली, इनके अपने पूर्वज, ये कुमाऊनी ब्राह्मण लिखते हैं, इनके अपने पूर्वज भी भारत के हैं, ये भी भारतीय हैं। खड़ग प्रसाद शर्मा ओली चीन की गोद में उस चीनी गोली खाकर सो जाने से उनकी बोली बदल सकती है, लेकिन अपने पूर्वज नहीं बदल सकते, अपने आराध्य नहीं बदल सकते। और भारत से प्रभु श्री राम के संबंधों को उनके एक वक्तव्य मात्र से कोई उसमें किसी प्रकार का विच्छेद नहीं कर सकता। प्रभु रामचंद्र जी तो ब्रह्मांड व्यापी शक्ति है, तो नेपाल में भी प्रभु रामचंद्र जी के अस्तित्व को वो स्वीकार है तो अच्छी ही बात है, लेकिन राम अयोध्या के हैं, अवध के हैं और अवधपुरी के राजा हैं, इसलिए जो है उनको हमेशा से अवधेश भी कहा जाता है। और तभी मैं 11 तारीख की तस्वीरें दिखा रहा हूं, मैं कह रहा हूं, मैं चाहता हूं एक बार ये 12 तारीख की, 12 मई की तस्वीर 2018 की, पशुपतिनाथ मंदिर जिस वक्त लेकर गए थे केपी शर्मा ओली मौजूद थे, उससे पहले जानकी टेंपल लेकर गए थे, वो तस्वीरें जरा खुल करके दिखाई जाए। उस वक्त खुद केपी शर्मा ओली मौजूद थे, हालांकि वो पूजा नहीं करते, खुद को कम्युनिस्ट कहते हैं, लेकिन देख उन्होंने खुद कहा था, देखिए यहां पर जो है सीता माता से कैसे रिश्ता है, ये जानकी मंदिर है, वहां पर प्रधानमंत्री ने पूजा की थी, उस वक्त सब कुछ इनका भूगोल ठीक था, अब ये कैसे जो है ये भूगोल सारा चेंज हो गया। बीरेंद्र, मैं आपके पास आना चाहूंगा, भले वो बाबूराम भट्टाराई हो, नेपाल के इतने बड़े नेता है, वो कह रहे हैं कि क्या ये कलयुगी रामायण है जो कि केपी शर्मा ओली पढ़ा रहे हैं, भले कमल थापा हो, रमेशनाथ पांडे हो और तमाम नेपाली हो, भाई ऐसा बयान क्यों देते हैं केपी शर्मा ओली कि नेपाल में ही अपना प्रधानमंत्री उपहास बन जाए, मजाक बन जाए, नेपाल का मजाक बना दे? सचिन, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा और नेपाल की तरफ से भी धन्यवाद देना चाहूंगा। नेपाल के साथ बेटी और रोटी का संबंध है भारत के साथ, इसमें कोई द्विराय की बात नहीं है, और सांस्कृतिक भी दोनों एक है भारत और नेपाल की, इसमें भी कोई द्विराय की बात नहीं है। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने कल एक प्रोग्राम के बीच में, उनके घर पे ही एक प्रोग्राम हुआ था, उस प्रोग्राम में उन्होंने ये बात बताया था। उन्होंने ऐसा बताते वक्त में ये दावी नहीं किया था कि ऐसा है, उन्होंने जो नेपाल में कोई साहित्यकार या नेपाल में कोई इतिहासकार वगैरह है उनके दावे पर उन्होंने अपना बात रखा था। उनका यदि बयान आप पूरा सुनेंगे तो उसमें जाहिर सी बात कही जाती है, उन्होंने ये कहा था कि हमने तो अयोध्या के राम को सीता दी थी,
और अयोध्या जो है नेपाल में है, यानी कि नेपाल के ठोरी में है, ठोरी यानी कि नेपाल के पर्सा जिला में है, उन्होंने ये कहा था। और ऐसा नहीं है कि केपी शर्मा ओली प्रधानमंत्री जी पहली बार ये बोले हैं इस बात को लेके, नेपाल में इसी सवाल पे कई बार जो है चर्चा पर चर्चा हो चुकी है, कई बार इस बात पे बात हो चुकी है कि राम नेपाल में जन्मे थे, अयोध्या अभी भी नेपाल में है, लेकिन हम छोटे देश हैं, इसको जो है लेके इतिहासकार ने त्रुटि कर दिया, इसको जो है थोड़ा खत्म कर दिया, इस टाइप का आरोप पहले से भी लगते रही है। लेकिन कल जाके क्योंकि प्रधानमंत्री ने ये बात बोल दिया उस कार्यक्रम में, और आपको बता दो भानुभक्त आचार्य जो नेपाल के आदि कवि भी हैं, भानुभक्त आचार्य के प्रोग्राम था कल, उनका जन्मोत्सव था कल, और उनका जन्मोत्सव के क्रम में उन्होंने बताया था, भानुभक्त आचार्य वही कवि हैं जो वो ये कहते हैं कि वो ये कहते हैं सांस्कृतिक एंक्रोचमेंट, भारत ने सांस्कृतिक एंक्रोचमेंट कर दिया, तो भारत के प्रति उनका प्यार तो जब से वो चीन के नजदीक आए हैं सारी दुनिया सारा नेपाल ही कह रहा है ना, तभी तो अपनी कुर्सी तक नहीं बचा पा रहे, और वही नेपाल के लोग ही तो उनका अब उपहास उनका मजाक उड़ा रहे हैं, कि ऐसी क्या जरूरत पड़ेगी कि हम सारे नेपालियों का आपको मजाक बनवाना पड़ गया। मैं यही तो कह रहा हूँ ट्विटर पर, यही तो सारे नेपाली कह रहे हैं, सभी नेपाल के जितने दोस्त और जितने भाई हैं वो यही तो कह रहे हैं। नहीं नहीं सचिन, इनकी क्या मजबूरी पड़ गई, नेपाल में कई सारे राजनीतिक दल हैं, कई सारे विचारधारे वाले राजनीतिक दल हैं, सबका अपना अपना विचार होगा, लेकिन मैं जो अभी बात बोल रहा हूँ ये मेरे देश के प्रधानमंत्री ने बोला है, तो उसका मैं काउंटर नहीं कर रहा हूँ, उसके तरफ से मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं आज नेपाली जर्नलिस्ट भी अपना बात रख सकता हूँ, मैं उसके तरफ से बोल सकता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री ने जब इस बात को उठा दिया है तो इस पर कुछ खोज अनुसंधान होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि उसके बात में कोई दम नहीं होगी, उसके बात में कोई तर्क नहीं होगी, क्योंकि अभी तक ये तो पुष्टि नहीं हो पाई है ना, वो ये हजारों वर्ष पुरानी इतिहास है और इसको लेके और करेंगे वीरेंद्र, ठीक है अच्छी बात है, ठीक है अच्छी, एक पुष्टि और करेंगे, खैर जब हम जाते हैं तो पूरा रामायण सर्किट, उस वक्त केपी शर्मा ओली थे ना, खैर उस वक्त क्यों नहीं उन्होंने बयान दिया, और भले वो कोरोना को लेकर के हों या तमाम चीजों को लेकर के, चीन के साथ नक्शा चेंज करने की भारत की बात करके, ये तो सारी दुनिया जानती किस तरीके से करे, और ये ग्लोबल वॉच की अब ये नई रिपोर्ट आ गई कि 41 करोड़ जो है जेनेवा के उनके बैंक अकाउंट में डाले, मैं उसमें पढ़ता ही नहीं हूं, मैं उसमें जाता ही नहीं हूं, मैं तो ये कह रहा हूं ना, कमल थापा तो आपके अपने रमेश नाथ पांडे, ये तो कह रहे हैं कि वहां तो एक श्रीलंका नाम की भी जगह है, नया अनुसंधान तो ये भी होना चाहिए कि कल को नेपाल के प्रधानमंत्री कह देंगे श्रीलंका तो नहीं है भैया नेपाल में। आचार्य नवल किशोर रामायणी जी अर्थवेद हों, जैन वेद हों, कालिदास रामायण हों, वाल्मीकि रामायण हों, तथ्य प्रमाण की बात नहीं है, तथ्य प्रमाण सामने रखते नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ी सी याददाश्त तेज करवाइए जरा आज प्रधानमंत्री जी की नेपाल के। जन्म भूमि मम पुरी सुवन उत्तर दिश सरयू पावन जामंजन ते विनय प्रयासा मम समीप नर पावे वासा। देखिए भगवान राघवेंद्र सरकार की दशरथ नंदन राघव कौशल्या नंदन राघव श्री राघवेंद्र सरकार की प्रादुर्भूमि श्री अवध है, और वो अवध उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले में है, वही नगर है जहाँ पर आज भगवान श्री राम का भव्य मंदिर का निर्माण होने वाला है, जहाँ तक नेपाल के प्रधानमंत्री जी है। वास्तव में नेपाल के प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश को अपनी एक वैचारिकता जो पतन की ओर ले जा रहे हैं उसे थोपने का प्रयास किया है, क्योंकि उस विचारधारा में पले हैं, उस विचारधारा में आस्था नाम की चीज कहीं है ही नहीं, वो किसी को मानता ही नहीं, जानता ही नहीं, इसलिए आज वो केवल चीन जो कुछ कहता है वो बोलने के लिए विवश है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आप इतने बड़े पद पर हो, कम से कम पद की गरिमा को तो ठीक से रखो, पद की योग्यता तो समझो, पूरे नेपाल के जो हमारे अपने सुजन हैं, हमारे अपने सगे संबंधी हैं, हमारा नेपाल जनकपुर ननियाल है, भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की ससुराल है, माँ जानकी वहाँ प्रादुर्भाव हुआ है, इसलिए इतनी बचकानी बात, इतनी छोटी बात मुझे लगता है कोई बालक भी नहीं कहेगा, इतने बड़े पद पर बैठ करके इतनी छोटी बात कहना पूरे भारत को तो कुछ नहीं पर नेपाल के लोगों की आस्था को उन्होंने ठेस पहुंचाया है। सब जानते हैं कि भगवान श्री राम का प्रादुर्भाव कहाँ हुआ, भगवान श्री राम की बारात गई तो रामचरितमानस में और वाल्मीकि में एक एक स्थान लिखा है कहाँ पर रात्रि में रुके, कहाँ मध्यान्ह में रुके, कितने दिन लगे जनकपुर से अयोध्या आने में। Exactly. इसलिए मुझे लगता है ये तो बहुत तो हल्की बात है और इसमें कोई तथ्य सत्य नहीं है। बिल्कुल, और ये अंतर्राष्ट्रीय दर्शन तो हम दिखा ही रहे हैं।
ये तो बात हम ये कह रहे हैं ना, धार्मिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय दर्शन क्या है, ठीक धार्मिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय दर्शन क्या है श्री राम का, वो हम लगातार दिखा रहे हैं, भले वो चित्रकूट के प्रमाण हो। आपने ननिहाल की बात की कि श्री राम का ननिहाल है वो जनकपुर में है, जानकी मंदिर वहां पर है वो हो, और सीता माता कैसे आती हैं सीतामढ़ी से चल करके, तो ये तमाम चीजें दिखाई रहे हैं। लेकिन मैं अगर इसको डिप्लोमेटिकली समझना चाहूँ फुनसुक साहब, कभी कोरोना पर चीन को क्लीन चिट देना और कहना भारत से आया, कभी नक्शा चेंज कर देना जो कि नक्शे के अलावा कुछ नेपाल कुछ और चेंज कर नहीं सकता है, फिर अब खुद कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है लेकिन धर्म पर चोट करना, उनको मालूम है कि धर्म पर चोट करने से चीजें ज्यादा जो है हर्ट हो सकती हैं, ये जो बार बार प्रोवोक करने की केपी शर्मा ओली की प्रवृत्ति है, सर ये रिश्ता क्या कहलाता है, व्हाट इज दिस? मुझे तो नहीं लगता ये कोई टीवी डिस्कशन का लायक भी है, क्योंकि ओली जी 4 दिन का मेहमान है, उनकी किडनी फेलियर हो चुका है, 2 बार ट्रांसप्लांट हो चुका है, वो कितने दिन तक रहेंगे, वो पूरा सिविलाइजेशन और हिस्ट्री को तो वो बदल नहीं सकते हैं। उनका शायद एक जियोपॉलिटिक्स खेलने का एक तरीका होगा, डिस्टॉर्ट करने का, स्ट्रेटेजिक डिस्टॉर्शन करने का या सिविलाइजेशनल डिस्टॉर्शन करने का होगा, चीन का कोई इशारा होगा, क्योंकि आजकल जो है जन्म जहाँ का जन्म होता है और पूर्व जन्म होता है उसको लेके वर्ल्ड में बहुत सारे पॉलिटिक्स चल रहा है। पहले भी ये भगवान बुद्ध को लेके उन्होंने ये विवाद खड़ा किया था कि भगवान बुद्ध भारत का नहीं है नेपाल का है, अभी ये भगवान राम का आ गया। मैं तो ये मानता हूँ कि हमें ये बोलना चाहिए फिर तो नेपाल भी भारत का ही है, क्योंकि विश्व में भगवान राम का स्थान तो भारत में ही है और ओली जी उसको बदल नहीं सकता है ना हिस्ट्री को बदल सकता है, तो वो खुद कह रहे हैं कि हम भारत का हिस्सा हैं तो हम क्लेम कर लें पूरे नेपाल को सभ्यता के मुताबिक। तो ये ओली जी जो कह रहे हैं ये फजूल की बातें हैं, इसको तो ध्यान में नहीं देना, या तो मैथोलॉजी में जा रहे हैं, मैथोलॉजी का कोई हिस्टोरिकल बेसिस तो होता नहीं है, तो उनका कहना नहीं कहना कोई फर्क नहीं पड़ता है। शायद आप कह रहे थे शुरू में कुछ पैसे वैसे दिए होंगे, तो उनका इमीडिएट फायदा यही होगा कि लोगों को बेवकूफ़ बनाए और अपनी तरह खींचे, क्योंकि आजकल कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर ही बहुत झगड़े चल रहे हैं, कुछ लगता है कि टाल गया अभी प्रचंड जी और इनके बीच में, लेकिन ये ज़्यादा चलने वाला नहीं है, 15 या 20 दिन के बाद इनकी सरकार गिरने वाली है तो ये सारे विवाद फिर ख़त्म हो जाएगा, तो मैं इसको सीरियसली नहीं मानता हूँ। नहीं लेकिन कुछ क्या इसके पीछे क्या फोर्स है सर, ऐसी क्या दुखती रग चीन के हाथ में या कुछ है, उनको लगातार उनको मालूम है कुर्सी उनकी स्टेबल नहीं है, प्रचंड उनको कह चुके हैं किस तरीके की आप बातें कर रहे हैं, चीन को मोहरा बन के आपने देश को कहां से कहां पहुंचा दिया, लेकिन फिर भी वो स्टेबल है प्रोवोक करने के लिए सर, क्या कोई हाँ, वो तो आफाओं को लेकर जिंदा है ना, जो आफा करके फिर वो अपने आप को रखते हैं। अभी कुछ दिन के बाद कहता है जी इंडियन एयरफोर्स का एक जहाज को नेपाल ने गिरा दिया, तो उसको एक आफा लिया, लेकिन गांव के लोगों को ये इम्प्रेस होता है कि ओली जी ने भारत के जहाज को गिरा दिया, फाइटर जहाज को, तो वो आफा रोज का रोज आफा फैलाते रहते हैं, आज ये कड़ाई कर दिया परसों कुछ और आफा लगा देंगे, तो इस तरह अपने कुर्सी को बचा के रखते हैं, और कितने दिन बचाएंगे। ठीक है वीरेंद्र, इस पर कुछ कमेंट करना चाहेंगे फिर प्रेम शुक्ला। मैं बिल्कुल कमेंट करना चाहूंगा, मुझे लगता है कि भारत में थोड़ा हवाई खबर ज्यादा जाती है, क्योंकि नेपाल से ये हवाई खबर की वजह से वहाँ के लोगों में भी थोड़ा गलत मानसिकता हो रही है। नेपाल में कभी इस तरह का स्थिति नहीं है, नेपाल में मैं आज नेपाली बोलूँ तो कहीं पे मैं नहीं देख रहा हूँ कि कोई चाइनीज कूटनीतिक की वजह से ये स्थिति हो रही है। हाँ ये सही बात है कि भारत में पहले भारत का रुतबा चलता था, आज से 2 साल पहले तक भारत का रुतबा चलता था, जैसे अभी चल रही है ना, जैसे आप लोग आरोप अभी लगा रहे हैं कि चाइना ने ये करवा रहा है वो करवा रहा है, आज से दो साल पहले तक यही आरोप चलती थी यहाँ पे, भारत ने ये करवा रहा है भारत ने वो करवा रहा है। हम थोड़ा ना कह रहे, हमने नहीं कहा, हम नहीं कह रहे, ये ग्लोबल वॉच टाइम्स कह रही है कि देखिए वहां जेनेवा के अकाउंट में 41 करोड़ दिए, ये आपके पूर्व प्रधानमंत्री और आपकी पार्टी के ही जो प्रचंड है वो कह रहे हैं केपी शर्मा ओली कहां गर्भ में लेकर के जा रहे हैं, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये ग्लोबल मीडिया में खुद नेपाल और नेपाल के लोग तो कभी इस आर्गुमेंट को बाय नहीं कर रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी, नेपाल के अगर लोग आर्गुमेंट को बाय कर रहे होते, भारत जवाब दे रहा होता तो भारत बहुत अच्छे से जवाब देता ना, भारत को मालूम है कि नेपाल कैसे छोटा भाई, और इन सब चीजों का फर्क ही नहीं पड़ता कि एक प्रधानमंत्री अगर उस बातों को डिफेंड वीरेंद्र करना चाहते हैं तो एक अलग बात है। प्रेम शुक्ला, देखिए राम के जो वंशज है वो जनकपुर के लोगों के बारे में हमेशा अत्यंत सम्मान का भाव रखते हैं, नेपाल से हमारा पारिवारिक संबंध है और कोई आज नहीं, ये हजारों वर्षों का संबंध है। ये भी केपी शर्मा ओली को लगता है कि राम जी की अयोध्या नेपाल में है
तो उसकी खोज करवा और बढ़िया से अयोध्या का वहां भी निर्माण करवा दे, वहां भी राम जी का भव्य दिव्य मंदिर का निर्माण करवा दे, तो समझ में आया कि चीन के प्रभाव में नहीं है वो। अगर चीन के प्रभाव में नहीं है तो वो सिर्फ विवाद पैदा करने के लिए स्टेटमेंट ना दे। यदि कोई सृजनात्मक करना चाहते हैं तो जनकपुर को भव्य दिव्य बनाने का कार्य कर ले, जिसको आप अयोध्या मानते हैं। जैसे हमारे बनारस में, चूंकि वहां रामलीला जब आदरणीय तुलसीदास जी ने प्रारंभ की, गोस्वामी तुलसीदास जी ने, तो वहां रामलीला जब मंचन प्रारंभ हुआ वहां लंका नाम की जगह है। तो अगर कोई ये कल एक साहित्यकार लिख दे कि लंका तो बनारस में है, और उसको लेके क्या भारत का कोई शासक, कोई प्रधानमंत्री पद पर बैठा व्यक्ति क्या उस बात को जो है कहीं कह सकता है क्या? तो इस तरह की मुझे लगता है अमेच्योर बातें किसी भी राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्ष से, प्रधानमंत्री से अपेक्षित नहीं है। लेकिन यदि केपी शर्मा ओली जी को लगता है कि अयोध्या नेपाल में है, तो नेपाल में उस अयोध्या का भव्य दिव्य निर्माण करवा दे। नवल किशोर दास जी कुछ ऐड करना चाहेंगे? बात कहना चाहता हूँ कि या तो उनका कोई राजनीतिक षड्यंत्र है या उनको कुछ चीन से और अपेक्षा होगी। ये सत्य से बहुत दूर है, सत्य के विपरीत है। मान लीजिए आप सरयू कहाँ से बांधेंगे वहाँ। और मैंने निवेदन किया कि श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में, वेदों में, पुराणों में, श्री गोस्वामी रचित तुलसीदास जी के रामायण में एक एक उसमें सब लिखे हैं बिंदु कि कैसे बारात गई, कैसे विवाह हुआ। और एक नहीं, वो कह रहे थे कि इतना दूर पहले विवाह होते नहीं थे, वहां से देश देश के भूपतनाना आए पनम जो पंडान। हमारा जनक ने कहा सभी देशों के राजा आए थे धनुष युग में, और भगवान श्री राम भी गए थे। मैं इसलिए कहता हूँ ना साजिश, नवल किशोर जी, मैं इसलिए साजिश कहता हूँ। एक बिलबोर्ड दिखा रहा हूँ मैं एक बिलबोर्ड दिखा रहा हूँ मैं इसलिए मैं कह रहा हूँ। देखो मैं ना एक बिलबोर्ड दिखा रहा हूँ, ये ना द कैफे का है, ये चीन के एक कैफे का है। उसने क्या लिखा है, जब से कोरोना के बाद जो है भारत ने एक्सपोज किया हो या फिर लेकर के सैन्य इंडिया स्टैंड अप आया हो, उसने बहुत से ऐसे कैफे में लिखा हुआ है, हिंदूज आर नॉट अलाउड इन कैफे, नॉट अलाउड टू, हिंदूज नॉट अलाउड चीन कहता है, और हिंदू धर्म पर प्रहार केपी शर्मा ओली कर देते हैं। ये साठ गांठ कह रहा हूं मैं, ये सब नियोजित है, केवल नियोजित है, क्योंकि उनको भारत की भव्यता, भारत की गरिमा, भारत का नेतृत्व जो पूरी दुनिया मान रही है, उसको चीन को सीधे सीधे दिक्कत हो रही है, तो नेपाल को माध्यम बना रहा है। और नेपाल सोच ही नहीं पा रहा है कि हम क्या कर रहे हैं। नेपाल का पूरी दुनिया में भारत से ज्यादा हितैषी मित्र और अपना कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। और चीन, वो तो मैंने सुना है कि नेपाल के कई गांवों को अपने सीमा में मिला लिया, ऐसे शत्रु को अपना मित्र समझ रहे हैं। मुझे लगता है इससे बड़ा कोई वैचारिक पतन नहीं हो सकता, बौद्धिक पतन नहीं हो सकता। भगवान श्री राम का प्रादुर्भूमि, जन्मभूमि अवध है, अवध ही रहेगी, किसी के कहने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। मुंशी साहब कितने दिन आपको लगता है ये ड्रामा चलेगा, या फिर वहां पर ये अभी जो है पॉलिटिकल ड्रामा, जिसको जिसको सेवेज करने के लिए इस तरह के का या वो बयान दे देते हैं या फिर माइलेज मोड़ देते हैं, और अब उन्होंने भारतीय चैनलों पर प्रतिबंध लगा दी, जो कि अनप्रेसिडेंटेड आज तक नहीं हुआ कि कोई मीडिया की बात नहीं करे। आज मैं बात कर रहा था तमाम लोगों से, वहां के लोग कह रहे थे कि भैया हमारे पीछे इंटेलिजेंस है, बात ही नहीं करने दे रही, वहां पर पीछे इंटेलिजेंस लगाई कि भारत में कोई बात नहीं करेगा। मतलब फुनसुख साहब ये कितने दिन तक अभी ये चलेगा? और मुझे लगता है उनको खुद को भी पता नहीं होगा, क्योंकि लगता है कि चीन का दूतावास जो है वहां पे, वो जो लेडी है वही चलाती है नेपाल को आजकल। तो उनकी क्या ड्राइंग रूम में क्या बनता होगा सुबह से शाम तक, वो तो हमें नहीं पता है। लेकिन ओली जी खुद को पता नहीं है क्या हो रहा है, तो ये एक दुर्भाग्यपूर्ण एक बात है कि नेपाल ऐसे स्थिति में आया कि लोगों को भी परेशान कर दिया। अभी देखिए मेरे घर में मेरा कुछ मकान बन रहा है, यहाँ पे 30-40 नेपाली यहाँ बैठे हैं, तो मुझे तरस आता है कि इनकी कंट्री में क्या क्या होता है और यहाँ पे और क्या है। सॉरी मैं आपको बीच में रोकूं, मैं ना तस्वीर दिखा रहा हूँ नेपाली एम्बेसी की है, ये नेपाली एम्बेसी के बाहर जितने नेपाली यहाँ काम करते हैं और कितना बड़ा वर्ग है, जो मतलब अब यूं देखिए यहाँ तो गोरखा रेजिमेंट तक है, कितने नेपाली, वो नेपाली इकट्ठे होकर के अपनी एम्बेसी के बाहर कह रहे हैं कि भारत नेपाल का दुश्मन कौन, चाइना चाइना चाइना, नारे लगा रहे हैं, हाथ में पोस्टर है, भारत नेपाल का सबसे बड़ा हितैषी कौन, भारत भारत भारत, ये उनके हाथ में पोस्टर्स है कि भैया इतनी एम्प्लॉयमेंट है, इतने हजारों लोग जो है एम्प्लॉय हैं, और आप किस तरीके का प्रोपेगेंडा क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, कल को अगर ये हेट पॉलिटिक्स शुरू भी हो गई तो। फुनसुख साहब बात पूरी कीजिए फिर लास्ट में वीरेंद्र। हाँ वही तो एक एक, एक रोना आता हमें कि देखिए मेरे घर में 30-40 यहाँ नेपाली है, मैं लेह लद्दाख में बैठा हूँ आजकल, तो इतने एम्प्लॉयमेंट है, इतने लोगों का जॉब यहाँ पड़ा हुआ है, आप इस तरह के अफवाह फैला के लोगों में उकसा रहे हो। और यहाँ पे अगर कोई देखे, भगवान करे कि कैसा कुछ हो ना है कि नेपाल और लद्दाखी के बीच में, यार अपने भारतीय और नेपालियों के बीच में, तो ये बहुत ही खराब बात है कि
जिम्मेवारी जो जो रिस्पॉन्सिबल प्राइम मिनिस्टर जो है इस तरह की हरकत वाली ये जो बुरी हरकत वाली बात करते हैं वो सारे एटमॉस्फेयर को खराब करके रखा है। बेचारे लोगों का होगा ना वीरेंद्र, लास्ट 20 सेकंड्स। ठीक है आपकी अपनी मजबूरी है, मैं नहीं कह रहा कि आप काउंटर कीजिए अपने पीएम को, क्यों कौन काउंटर करेगा, लेकिन जब वो ऐसे बयान दे जो अनडिफेंडेबल हो तो फिर इन द सेंस की, लेकिन इन लोगों का तो सोचना चाहिए ना सर। मेरा भी यही कहना होगा सचिन जी, जैसे अभी आपने बताया ना मेरे भी घर के सामने अभी काम हो रही है और वहाँ पे भारतीय मजदूर काम कर रहे हैं, तो दोनों देश में यहाँ पे भारतीय मजदूर रहते हैं और वहाँ पे नेपाली मजदूर रहते हैं, इसमें कोई दुराई नहीं है। आम पब्लिक टू पब्लिक पब्लिक का एक रिलेशन है, इसमें भी कोई दुराई नहीं है। मुझे लगता है डिप्लोमेसी स्तर पर तो इसमें बात होनी चाहिए और दोनों का एक सुरा करनी चाहिए, और इसमें लगता है मुझे कि भारतीय डिप्लोमेसी की कमजोरी है, झगड़ा हो झगड़ा हो, लेकिन जब झगड़ा करने की कोशिश की जा रही है भारत की तरफ से तो कोई बयान भी नहीं आ रहा। बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र, मेरे पास वक्त नहीं है, मैं दोबारा जरूर आपको शामिल करूंगा, मेरे पास वक्त नहीं है। फुनसुख साहब बहुत